हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द यूके 05 राइडर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने घर पर अपनी बाइक की नॉर्मल सर्विस कर सकते हैं और कैसे आप अपना मतलब ऑयल फिल्टर को चेंज कर सको क्लीन कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों, बाइक का ऑयल चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ये नीचे ड्रेन नट कहाँ गया रे, यहाँ नीचे ड्रेन नट होता है, ये हमें खोलना है और इसका सारा ऑयल, इंजन ऑयल जो पुराना है वो ड्रेन कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें नया ऑयल डालें। ऑयल डालने से पहले हम इसका ऑयल फिल्टर क्लीन करेंगे जो कि इसकी क्लच वाली साइड होता है। तो फटाफट से इसका ऑयल क्लीन करते हैं तब तक आप। तो दोस्तों, अब हम इसका ड्रेन बोल्ट खोल लेते हैं जो कि 16 नंबर की स्पैनर की सहायता से खुलेगा और उसके बाद इसका पुराना इंजन ऑयल किसी खाली बर्तन में ड्रेन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने अपना ऑयल इस बोतल में ड्रेन कर दिया है क्योंकि मेरी बाइक थोड़ा सा वाइट स्मोक देने लग गई तो इस कारण से इसमें ऑयल कम हो जा रहा है। तो अब देखते हैं कितना ऑयल निकलता है इससे। थोड़ा बहुत नीचे भी गिर गया फ्लोर पे। तो दोस्तों, जब तक ऑयल निकलता है हम उधर थोड़े बहुत ये बोल्ट खोल लेते हैं और अपना क्लच कवर को निकाल लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर ऑयल फिल्टर होता है उसको बाहर निकालते हैं और क्लीन करते हैं। दोस्तों, मैं इसे 8 नंबर की गोटी की सहायता से खोल लेना है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने इसका क्लच कवर निकाल लिया है। ये होता है हमारा ऑयल फिल्टर। तो हम इसे इसके ऊपर की जो बैलेंसर है इसको खोल के फिर इसे क्लीन करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर से कितने मेटल के पार्टिकल निकले। अगर दोस्तों ये क्लीन नहीं होता तो इससे हमारी इंजन को डैमेज होने का नुकसान होता है क्योंकि इसमें प्रॉपर ऑयल की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिस कारण से हमारा इंजन ओवरहीट हो जाता है और हमारे पिस्टन जल्दी वेयर होने लग जाता है और हमारे रिंग कट जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इसे क्लीन करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें से कैसा निकल रहा है मेटल पार्टिकल्स। तो दोस्तों, हमने इसका फिल्टर क्लीन कर लिया है और इसका क्लच कवर भी लगा लिया। अब बारी है इसमें ऑयल डालने की। तो मैं यूज करता हूँ इंडोकैम कंपनी का ऑयल जो कि काफी अच्छा है।
और अभी मार्केट में नया आया है, और प्राइस भी औरों के कंपैरिजन में इसके अच्छे हैं।